सफलतापूर्वक उसका परिणाम भी हम लोगों ने दिया। आज उस समय यहां पर बिजली भी नहीं था, रोड तो छोड़ दीजिए, बरसात के दिन में लोग यहां के लोग किसी तरह दर्दों कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में भी सुनते थे, बीमार हो जाता था तो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा पाते थे, ये स्थिति थी दिल्ली में। कभी न रोड एक पत्ता रोड को कहीं था ही नहीं, नदी में पुल तक नहीं था। 20 साल पहले की जो बात है वो आप लोग अच्छी तरह से महसूस करें। आज हम लोगों ने संघर्ष किया, हर एक मुद्दे को हम लोगों ने पूरा किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में और कई हम लोग उपलब्धि भी हासिल की अपने कार्यकाल में। रामगढ़ का पहचान एक पहले एक साधारण एक अनुमंडल के रूप में होता था, आज रामगढ़ का पहचान पूरे देश में हुआ। यह आप लोगों का सहयोग और हम लोगों का मेहनत का और हम लोगों का सोच, जो हम लोगों का विचारधारा है, पार्टी का विचारधारा है, उसी का परिणाम दे रहा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि विकास के मुद्दे को लेकर जो हम लोगों ने राजनीति शुरू किया, आज विकास बिल्कुल अस्थिर हो गया है, बिल्कुल स्थिर हो गया है। आप लोग अखबार के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा कि रामगढ़ का पहचान धीरे धीरे, अभी तो 2 ही साल हुआ, अभी 3 साल और हम लोगों को अभी झेलना। सरकार में रहते हैं भाई साहब, हम लोगों के विधायक है, सरकार में उनको पता ही नहीं कि हमको क्या काम करना है। बनाने का तो बना दी, चुनाव के समय झूठा झूठा वादा लोग करके बरगला दिया। हम लोग के लोग सीधे साधे लोग बाहर के, हो सकता है कि भाई भाषण देने में तो कुछ लगता नहीं, लोग बड़े बड़े भाषण दे, कांग्रेस को आजादी से पहले से ही भाषण दे रहा है। चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पर आप लोग देखेंगे भूल गए, चुनाव के बाद वो भूल जाता है। कांग्रेस का भी घोषणा